This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 पर इस विशेष हाइलाइट्स कार्यक्रम में आप सभी का आकाशवाणी की ओर से स्वागत करता हूं। मैं हूं अनुपम पाठक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अब समापन की ओर बढ़ चले हैं। दो स्पर्धाओं को छोड़ शेष अपने समापन तक पहुंच गईं। खेलों की रानी एथलेटिक्स की स्पर्धाएं भी आज समाप्त हो गईं। सभी आयोजन स्थलों पर सोने के अंबार लगे थे आज, और अपने हिस्से के गोल्ड की तलाश में खिलाड़ी अपनी सारी शक्ति झोंकते रहे। तो शुरू करते हैं खेलों का सिलसिला। एथलेटिक्स का आखिरी दिन बेहद सरगर्म था। कोई डेढ़ दर्जन स्वर्ण पदक। लड़कियों की 200 मीटर दौड़ में सभी की निगाहें थीं दुती चंद की ओर। ये स्वर्ण पदक हलवा खाने जैसा आसान माना जा रहा था उनके लिए, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? और भी कई शानदार स्पर्धाएं थीं और कई शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन भी हुए। सारे विवरण के साथ वी शिव कुमार। इट वॉज अ टफ डे फॉर एथलीट्स आफ्टर यस्टरडेज इवनिंग डाउनपो कॉस्ट रीशेड्यूलिंग ऑफ इवेंट्स एट द कंठीरवा स्टेडियम इन बंगलुरु ऑन द फाइनल डे ऑफ एथलेटिक्स एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ऑल इवेंट्स शेड्यूल्ड फॉर दिस इवनिंग वेर एडवांस टू मॉर्निंग आवर्स एंड बाय नून द लास्ट मेडल्स इन एथलेटिक्स वेर गिवन अवे। 17 गोल्ड मेडल्स वेर एट स्टेक। हियर्स अ क्विक ग्लांस एट द रिजल्ट्स। इन द फर्स्ट इवेंट ऑफ द डे इन 20 किलोमीटर रेस वॉक राखी सिंह ऑफ प्रोफेसर राजेंद्र Singh University won gold. In the 5,000 meter event that followed, Nikita Raud from Rashtrasanth Tukadoji Maharaj University won gold. In the men's 5,000 meter event, Lokesh Chaudhary of Maharishi Dayanand University won gold. In the women's 800 meter event, Pooja of Lovely Professional University won gold. While in the men's 800 meter event, Satya Dev from Maharishi Dayanand University won gold with a timing of 1 minute 54.26 seconds. It was, however, in the 200 meter sprint held this morning that Dyuti Chand, who was the favorite to win, was pushed to second spot by young Priya Mohan of Jain University. And this start, ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली है। एकदम आगे बहुत अच्छे, उन्हीं से बिल्कुल चिपकी हुई है। लेन नंबर 5 में प्रिया मोहन, एकदम फासला कम होता हुआ। दुती चंद अभी भी आगे चल रही हैं। प्रिया मोहन बहुत तेजी के साथ आगे निकल रही हैं। दुती चंद को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है इस फिनिश लाइन पर। प्रिया मोहन सबसे आगे, दुती चंद दूसरे स्थान पर। एक तरीके से अपसेट हो गया है इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, और प्रिया मोहन आई हैं पहले स्थान पर। 23.90 का उन्होंने समय निकाला। दुती चंद का समय 24.02। तीसरे स्थान पर आई हैं रांची विश्वविद्यालय की फ्लोरेंस बारला। दो शी बीट द्युति फॉर द गोल्ड, प्रिया वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस इन बोथ 400 मीटर्स रेस एंड 200 स्प्रिंट वेयर शी वन गोल्ड मेडल्स। हियर्स प्रिया मोहन। प्रिया, टेल अस हाउ वाज योर रेस टुडे? यू बीटन द्युति चंद। इट वाज नॉट दैट गुड रेस बिकॉज़ माय बॉडी हैडंट रिकवर्ड, ओनली 4-5 आवर्स ऑफ स्लीप। Yesterday I had 400 meters. My full water was filled in my spikes and I couldn't grip it properly. 23.9 is still pretty good, but not your best. Yeah, not my best. My best is 23.85. I was expecting to do a lot better. Actually, the race was at 6 p.m. in the evening, but they had preponed it. I couldn't recover well. 400 is my favorite because it is the toughest event in athletics. We were training in Ooty, so we were expecting a lot better timings. Had improved a lot. Happy that I beat Dyuti Chand, but not happy with the timings. Dyuti Chand had this to say on the race. मैं दो साल से 200 को छोड़ दिया और अभी 100 मीटर में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एशियन गेम कॉमन गेम पर जो क्वालिफाई मार के 100 में 11.36 है और 200 में 23.12 है। तो 23.12 भागना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। 100 में थोड़ा चांस है जल्दी क्वालिफाई करने का, इसलिए 100 में फोकस कर रहा हूँ। In pole vault for men, Dhirendr Kumar of VBS University won gold when he cleared 4.80 meters. In men's triple jump, Krishna Singh of Mumbai University won gold with a jump
jump of 16.10 meters. All India Radio spoke to Krishna Singh. Actually, I was very confident about today. I knew I will win this match. I just wanted to perform well. So the performance, it is my personal best on record, distance 16.10. In men's hammer throw, Damneet Singh of Punjab University won gold with a throw of 64.32 meters. Here's Damneet. नहीं, इससे पहले ही मेरा गोल्ड था इसमें, तो इस बार मैंने अपना मीटर रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, इसमें पर्सनल बेस्ट किया है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी क्वालिफाई किया है। इन विमेन्स ट्रिपल जंप, मीरा शिबू ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट वन गोल्ड विद अ जंप ऑफ 12.72 मीटर्स। इन द मेंस 4x400 मीटर्स रिले, मैंगलोर यूनिवर्सिटी मीट महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोटेयम फॉर द गोल्ड मेडल। इन द विमेन्स 4x400 रिले, पंजाबी यूनिवर्सिटी फिनिश्ड अहेड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट टू क्लेम द गोल्ड। इन द मेंस शॉर्ट पट इवेंट, साहिब सिंह ऑफ अलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी वन गोल्ड। इन 200 मीटर स्प्रिंट फॉर men, Vignesh A from Mangalore University clinched the gold with a timing of 21.28 seconds. Vignesh, the fastest man of Khelo India University Games, spoke to All India Radio. I feel good because this is my personal best. This is my first gold also for me, 200 meter in such a big competition. 2017, I got a bronze medal with a timing 21.54, I think. After that, I got injury. It takes 5 years, this takes for me to this timing. I didn't expect that. Asian Games, I have to participate. This is my dream. Surabhi Ved Pathak of Lovely Professional University won gold in the women's hammer throw event with a throw of 54.40 meters. In women's high jump, Gracine Murley of Manonmaniam Sundaranar University won gold with a jump of 1.76 meters, the same height cleared by Rekha, who took the silver. In men's high jump, Deva Karthik of University of Madras won gold. In heptathlon event that concluded today, Tanu from Guru Jambeshwar University won gold. Here's Tanu. अच्छा लग रहा है, मुझे गोल्ड मेडल लिया, मैंने दो दिन करा and बारिश की वजह से मेरा लूज भी गया। मैंने यूनिवर्सिटी में 5004 बनाए थे, लेकिन आई ट्राई टू बेस्ट माय इन चाइना टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। विग्नेश्स 3 गोल्ड मेडल्स इन स्प्रिंट एंड रिले हैज हेल्प्ड मैंगलोर यूनिवर्सिटी टू टॉप द कंबाइंड टीम स्कोर्स इन एथलेटिक्स अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट फॉलो इन द लिस्ट ऑफ गुड परफॉर्मर्स। दिस इज शिवकुमार रिपोर्टिंग फॉर द सेंट्रल प्रोडक्शन टीम ऑफ ऑल इंडिया Radio. पहलवानों के दांवपेच अपने चरम पर थे। आज फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग में 10 स्वर्ण पदकों के लिए कुश्तियां हुई। कुश्ती की आज की कहानी, महेंद्र सिंह लालस की जबानी। कुश्ती के मुकाबलों में आज 10 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। 3 फाइनल लड़कों के ग्रीको रोमन वर्ग में खेले गए। 67 किलो वर्ग में संत बाबा भाग सिंह विश्वविद्यालय के हनीपाल सिंह ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के सूरज को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं ग्रीको रोमन वर्ग के ही 72 किलो के फाइनल की बाउट चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद के गुरमीत ने जीती। अच्छा फील हो रहा है, मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीको रोमन वर्ग की 82 किलो वर्ग की कुश्ती लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रोहित दहिया ने जीती। उन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अमरिंदर सिंह को फाइनल में हराया। वो टफ थी हमारे लिए, तो अभी तो और ऊपर जाना है और मेहनत करेंगे और ऊपर जाएंगे। फ्री स्टाइल कुश्तियों में लड़कों के वर्ग में भी 3 स्वर्ण पदक दांव पर थे। 74 किलो वर्ग का स्वर्ण पदक जीता लोक नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के मुकुल मिश्रा ने। ओलंपिक में हमारे 2 मेडल और आए हैं, इसके वजह से अब और लड़कों की संख्या बढ़ गई है हमारे इस गेम से। हमें अपना डिसिप्लिन यानी कि कुश्ती के अलावा और हमें बाहर कैसे रहना चाहिए ये भी सीखने को मिलता है कि और लोगों से कैसे आदर सम्मान से प्रस्तुत आना चाहिए। फ्री स्टाइल वर्ग में ही 97 किलो का स्वर्ण पदक OPJS विश्वविद्यालय रावतसर के अनिल ने जीता। वहीं 125 किलो फ्री स्टाइल वर्ग का स्वर्ण पदक गया बाबा बालनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के राजेश के गले में। लड़कियों के वर्ग में 55 किलो भार वर्ग की विजेता बनी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार की रजनी। दांव अच्छे लगाती हैं लेकिन बोलने में बहुत शर्माती हैं। अच्छा लग रहा, कुछ चीज नहीं समझाया था, काक में हाथ नहीं देना है, पैर पीछे रखने। आगे अब हमारी ट्रायल होने वाली जूनियर एशिया की, उनमें मेडल आने के। 62 किलो वर्ग की फाइनल बाउट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की फ्रीडम यादव ने जीती। उन्होंने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की सुमित्रा को आसानी से शिकस्त दी। फ्रीडम बाउट से बहुत सीख मिलती है, हारते हैं चाहे जीतते हैं, यहाँ पे मेरा गोल्ड आया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे सर अच्छे से मेहनत करनी है और
इंडिया के लिए खेलना है। 76 किलो वर्ग का फाइनल ओपी जेएस विश्वविद्यालय की पूजा और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की भावना के बीच हुआ, जिसमें पूजा को मिली विजयश्री। प्रैक्टिस बढ़िया की थी सर, दोनों टाइम अच्छी प्रैक्टिस करती, 4-4 घंटे। इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को सर, 6 साल हुए हैं अभी, लेकिन अभी और अनुभव बाकी है, अभी कमी है सर सीनियर के हिसाब से, तो और करना है अच्छा। क्या कहते हैं इन स्पर्धाओं के बारे में कंपटीशन मैनेजर बीएन प्रसूद? दिस इज नॉट ए सिंपल इवेंट बिकॉज़ यू नो रिसेंटली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंडक्टेड द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी इवन ईच वेट कैटेगरी मोर देन 122 प्लेयर्स वाज पार्टिसिपेटेड दैट देन वी सेलेक्टेड द 8 प्लेयर्स इन दोस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट सो वेरी टफ बाउट फॉर ईच वेट कैटेगरी क्लीन टेक्निकल एक्शन वाज हियर लास्ट 3 डेज। अंतर्राष्ट्रीय रेफरी अशोक कुमार की इन स्पर्धाओं के बारे में राय। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि कुछ रेसलर्स बहुत ही इंटरनेशनल रेपूट के रेसलर्स थे जो एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीत चुके थे, इसलिए मुझे देखकर और भी अच्छा लगा कि इस लेवल के रेसलर्स हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुश्ती स्पर्धाओं के समापन पर आज इतना ही। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए मैं था महेंद्र सिंह लालस। फुटबॉल में आज महिला स्वर्ण पदक का निर्णय हुआ। लंबे संघर्ष का सफर पार कर फाइनल में पहुंची दो टीमों में बाजी किसके हाथ लगी? नितिश अरोड़ा ने पूरा मैच देखा और बाद में माइक के साथ बातें भी की अपनी रिपोर्ट के साथ। It's celebration times for Vidyasagar University as they defeat Guru Nanak Dev University 2-0 in the football finals for the women. At the Jain Sports School, the girls from football powerhouse West Bengal, the Vidyasagar University was up against the very upbeat Guru Nanak Dev University Amritsar Punjab. They promptly brushed aside the challenge by 2-0 and elated captain of the team using her team manager to explain her replies. How is this win for you? আমরা জিতেছি, অনেক খুশি হয়েছি, মানে বুঝাতে পারছি না, অনেক খুশি হয়েছি, অনেক অনেক প্রথম থেকে আমরা অবশ্যই আশা করেছিলাম আমরা জিতবই আর জিতেছি। মিস্টার উত্তম কুমার মুখার্জি ইজ উইথ মি দ্য কোচ অফ দ্য টিম ভেরি জুবিলিয়েন্ট আই এম ভেরি ভেরি প্রাউড এভরি প্লেয়ার আর গুড আওয়ার প্লেয়ার শুড বি টু ডান 6 or 7 প্লেয়ার্স আর ভেরি গুড ইন ফিউচার হি প্লেড ইন্ডিয়া হি প্লেড অলসো এশিয়ান এভরিওয়ান হোয়াট কাইন্ড অফ এফর্টস ইউ হ্যাড পুট বিহাইন্ড দিস টিম আই এম অলওয়েজ থিংকিং যে আওয়ার টিম practice correct the football do your job it is your job put your all ye effort in the field so in the women's football Guru Nanak Dev University Amritsar Punjab wins the silver and Chaudhary Devilal University Sirsa Haryana along with Annamalai University wins the bronze win or loss in the end it is the spirit of the games that is the biggest winner the girls of GNDU were really down and out when they lost the match against Vidyasagar University But suddenly, when the Punjabi music was on, the girls started dancing to the beat of this Punjabi music. That is the spirit of Khelo India University Games. Nitish Arora signing off from the football turf of Jain Sports School. शूटिंग में आज गोलियों की धाएं धाएं खामोश हो गई। अंतिम दिन राइफल भी थी, एयर पिस्टल भी थी और स्कीट की स्पर्धा भी। पूरा विवरण सुधीर राजौरिया से। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में आज मिश्रित युगल टीम इवेंट के मुकाबले खेले गए, जहां पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की इशनीत औलक और सुरेंद्र सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। स्टार्टिंग तो अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को समझा के किया अच्छा, अपनी तरफ से हमें लीड मिली। मेरा एक शॉट वो ड्रॉप हो गया था, तो मुझे था कि अभी कुछ सही चलाना है फिर ही जीत पाएंगे, टेक्निक को फॉलो किया और उसका रिजल्ट आया। स्वर्ण पदक की होड़ में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की टीमें। यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की जोड़ी वर्षा सिंह और हर्ष गुप्ता ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की टीम युविका तोमर और वरुण तोमर को 16-12 से मात देकर सोने का तमगा जीता। दोनों का टीम एफर्ट था, मैंने अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश की थी आज। रजत पदक विजेता चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की टीम युविका तोमर और वरुण तोमर प्रेशर ही था थोड़ा सा, फिर भी अच्छा करने की कोशिश की थी सर, सिल्वर तक ही पहुंच पाए सर। इसके बाद शाम को खेले गए पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर के मुकाबले। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला पंजाबी यूनिवर्सिटी के उदयवीर सिद्धू को। अच्छा था कंपटीशन मेरे साथ, जैसे मेरे साथी वाली लेन पे थे अनीश, ही इज अ वेरी गुड शूटर, और आदर्श सिंह, सो इट वाज गुड कंपीटिंग टुगेदर इन वन कंपटीशन। मानव रचना यूनिवर्सिटी के स्टार शूटर अनीश भानवाला को प्राप्त हुआ रजत पदक। इन द फाइनल्स इट वाज गोइंग गुड नेक टू नेक,
एंड द लास्ट सीरीज आई शॉट 4 एंड आई मिस्ड द गोल्ड बाय 1 पॉइंट। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के कांस्य पदक विजेता बने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के आदर्श सिंह। बहुत अच्छा खेल सकता था, बहुत गंदा खेला, बट कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज है, अप्स एंड डाउन्स। और अब बात स्कीट स्पर्धा के मिश्रित युगल वर्ग के फाइनल की। इस स्पर्धा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जोड़ी प्रभ प्रताप चहल और परिनाज धारीवाल ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। वहीं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की आशीष छिन्ना और सुखबीर हरिका की जोड़ी ने दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक जीता। कांस्य पदक नाम रहा उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जहरा दीसावाला और आगा जैनिल आबदीन के। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए साई शूटिंग रेंज से मैं सुधीर राजौरिया। टेनिस में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जैन स्पोर्ट्स स्कूल में, जिसका पूरा फायदा उठाया देश भर से आए हुए टेनिस खिलाड़ियों ने और आज थे फाइनल। पूरी स्पर्धा में कोर्ट्स के साथ रहे नितिश अरोड़ा आज के विवरण के साथ। The interrupted matches were played this morning for the bronze medal. Osmania University and Gujarat University were locked at one win each yesterday. The doubles was won by the Gujarat University. We spoke to the chief architect of the win, Rudra Bhatt, who won his singles and was member of winning doubles too. We didn't expect for the bronze in the beginning. We won gold, but yeah, we are happy with bronze because we came back stronger. I think we both were not comfortable with the courts because our game suits on the slow court and the opponents were really good. What are the takeaways from these games for you? Keep patience, especially in these fast courts, and control your emotions is the main thing I learned from this. Mohit, you lost the first singles for the bronze medal match. What was the pressure on you like? I had no pressure because I know Rudra will win second match. The gold medal tie was 1-0 in favor of SRM Institute of Science and Technology Chennai when rain stopped the matches yesterday. But the trump card for Anna University, Lohitaksha, clinched his singles and paired with Anish to win the doubles match as well and the gold for Anna University. Lohit returned this volley question with much ease. You have made it a strategy or it's a habit to lose the first one and then put the pressure? I think the right person to answer that would be my partner because he's been giving the opponents the lead, like probably giving them a handicap. What do you think is the basic reason for your win? The singles, I wasn't playing my good tennis to be honest, but then I was mentally strong. Some I was hanging in there, I was hoping to get in. That's it. Like, and then doubles, my partner supported me really well. We played better at the clutch points and then we got through. Nitish Arora signing off from the tennis for the last time for Khelo India 2021. कबड्डी का फाइनल तो कल यहाँ बेंगलुरु में होगा। अंतिम स्पर्धा के रूप में आज सेमीफाइनल में इस देशी खेल के सितारे कौन बने, बताएंगे शाहिद अनवर। कबड्डी कबड्डी के साथ रेडिंग और विपक्षी टीम की कैचिंग के दौरान रेडर को दबोच लेने का रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला कोलेजियम हॉल में संपन्न हुआ। आज सुबह 10:30 बॉयज के पहले सेमीफाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को 5 अंक से मात दी। स्कोर रहा 39-34। जीत के बाद टीम के मैनेजर तीरथ सांगा कहते हैं, खेलो इंडिया का इम्प्रेशन ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो निश्चित तौर से पहली बार राजस्थान की कोई टीम हम फाइनल में पहुंचे, हमारे लिए तो हिस्ट्री है एक तरह से। फाइनल के लिए सर पूरा फाइनल की तरह लड़ेंगे, खेल में तो हार जीत होती है लेकिन अपना बेस्ट देंगे जो होगा। इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को 6 अंक के अंतर से हराया। स्कोर रहा 31-35। कप्तान सुशील खत्री, सभी ने अच्छा किया मेरी टीम गेम में, सभी का कॉम्बिनेशन एक साथ स्पोर्ट मिला मेरे को, सभी को अच्छे से रहा। दोपहर बाद गर्ल्स के पहले सेमीफाइनल मैच में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने कड़ी टक्कर में हिमाचल प्रदेश को सिर्फ 1 अंक से हराया। पॉइंट रहे 34-33। विजेता टीम के कप्तान सुमन कहती हैं, हमने आज हिमाचल को हराया है तो आफ्टर सम टाइम लगभग 2 या 3 साल के बाद, नहीं तो हम सेकंड आते थे, हिमाचल हमें हरा देता था। दूसरे सेमीफाइनल में कुरुक्षेत्र की टीम ने सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी को 13 अंकों के बड़े अंतर से हराया। स्कोर रहा 34-21। कुरुक्षेत्र टीम की कप्तान प्राची मैच जीतने के बाद कहती हैं, हमारी टीम थोड़ा लूज खेली पर फिर भी हम जीत गए, अच्छा लगा मुझे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, आउटस्टैंडिंग खेले, नेक्स्ट मैच भी विन करना है, फाइनल में पहुंच गए हैं। अभी हमारा पुल में थे वो और हम जीते थे उनसे 10 नंबर से और आगे देखते हैं 20 नंबर से हराने की कोशिश करेंगे। गर्ल्स के फाइनल में कल दिन में 11 बजे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का मुकाबला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से होगा। इसके बाद दोपहर 12:15 बॉयज के फाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की भिड़ंत चौधरी बसंत लाल यूनिवर्सिटी से होगी। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोलेजियम कबड्डी कोर्ट से मैं शाहिद अनवर।
तलवारबाजी में आज टीम फाइनल्स में तलवारें भांजी गईं। ये है SB वेंकटराम की रिपोर्ट। इन द डेज ऑफ योर स्वॉर्ड फाइट्स वेर हेल्ड टू सेटल स्कोर्स ओवर वेरियस डिस्प्यूट्स। बैक होम ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड डेज मेनी ऑफ अस वुड हैव चैलेंज्ड आवर कजिन्स फ्रेंड्स नेबर्स विद ब्रूम ट्विक्स। कट टू द प्रेजेंट डे इन द फेंसिंग कॉम्पिटिशन एट जेएन ग्लोबल कैंपस विटनेस्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री यूजिंग देयर विट्स एंड विजडम टू आउटस्मार्ट देयर अपोनेंट्स टू एडॉर्न देमसेल्व्स विद ग्लोरी। इन द वीमन फॉइल टीम इवेंट ब्रेव हार्ट्स चानू देवी लाइश्राम and Devi from Manipur University fortified together to crush their opponents from Guru Nanak Dev University Amritsar. Bronze medals were shared by Cluster University Srinagar and Kannur University Kerala. Coach of the Manipur University speaking to All India Radio. They've already participated in their team for past 4 or 5 years, so they are all experienced in this foil event, so they always have that confidence to win the medals. So future plan will be winning forever. The second gold medal of the day saw Guru Nanak Dev University Amritsar, Punjab defeat Punjab University Chandigarh in the women AP team to bag gold. Bronze medals went to Punjabi University Patiala and University of Madras, Tamil Nadu. Third and last gold medal of the day in the fencing competition witnessed again Guru Nanak Dev University Amritsar, Punjab in the men's sabre event defeat Punjab University Chandigarh to complete an almost a golden sweep. Bronze medals to Lovely Professional University Punjab and University of Jammu. Competition director of the fencing competition had this to say. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह जमवाल, आज हमारा लास्ट इवेंट हो गया, मैं बस एक ही पंक्ति में इसको बोलूंगा, अद्भुत अरेंजमेंट्स, अद्भुत कॉम्पिटिशन, अद्भुत यूनिटी, और वो समय दूर नहीं है जब इंडिया विश्व रंगमंच पर खेलों में भी विश्व गुरु बनने जा रहा है। As the curtains go down on the fencing arena, it is now time for the fencers to lower their guard before they start gearing up for the future duels. This is Venkatram reporting for Central Production Team of All India Radio from the wonderful setting of Jain Global Campus, Bengaluru. Ping pong ki gend bhi khoob dance karti rahi table ke dono hisson ke beech. नितिश अरोड़ा टेबल टेनिस पर इस रिपोर्ट के साथ। द गर्ल्स फ्रॉम SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुक एन अर्ली लीड विनिंग द फर्स्ट सिंगल्स इन द गोल्ड मेडल मैच टाई इन टेबल टेनिस। इन द सेकंड सिंगल्स अगेन ग्लेडिया फ्लोरा फ्रॉम द SRM गॉट बेटर ऑफ मुनमुन कुंद्रा ऑफ द एडमस गिविंग ए 2-0 लीड टू द SRM जस्ट ए विन अवे फ्रॉम द गोल्ड। द स्कोर वॉज 11-4, 14-12, 6-11। द थर्ड सिंगल ऑल्सो वेंट SRM's वे दैट सॉ देम हैंगिंग द गोल्ड मेडल्स अराउंड देयर नेक। सो आई हैव विद me Gladlin Flora. It was really interesting. It's my first time winning Munmun Gundu and I played with her a few times, so it was a very good match and it has increased my confidence. I thought it was a 50-50 match because in All India I lost with a 3-0, but I planned well. I think it worked out this time. Thus, SRM Institute of Science and Technology Chennai won the gold, silver went to Adamas University and the bronze medal went to the University of North Bengal and University of Madras. Unlike their girls counterparts, SRM Institute of Science and Technology Chennai was on to the receiving end in the finals of the men's event for table tennis. They were up against University of Mumbai. The first two singles went to Mumbai as Chinmaya Somaiya defeated Shri Krishna Arunachalam to give them a winning start. In the second singles, Deepit Patil defeated Ashwini Vijay Babu. In the third singles, Lakshmanan tried hard to cling on to the match for SRM. Having lost the first game 6-11, he won the next two 12-10, 11-8, but lost the next two 11-5 and 11-4. Thus, the boys failed to repeat the performance of SRM girls. The gold went to University of Mumbai and the bronze went to Mizoram University and Chitkara University, Punjab. कराटे का जापानी में अर्थ है खाली हाथ, यानी बिना हथियार के। हाथ पैर से प्रतिरक्षा की इस मार्शल आर्ट में यहाँ कौन खाली हाथ गया और कौन पदक लेकर गया, बता रहे हैं SB वेंकटराम। Yesterday's heavy showers found its way to the karate catchment area of Jain Global Center, where a bountiful of 15 gold medals were decided on the last day of the karate competition. In the women's category of Team Katha event,
जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश बैग्ड गोल्ड मेडल मच टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लोकल फेवरेट्स जैन यूनिवर्सिटी हु हैड टू सेटल फॉर ए सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स टू राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड ओवरजॉयड संगम जी ऑफ जिवाजी यूनिवर्सिटी स्पीकिंग टू ऑल इंडिया रेडियो। हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, इतना सारा साउंड, सब लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली कर्नाटका में हो रहा है तो उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे सेंसाई जो हमारे साथ खड़े हैं उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया तो हम लोग घबराए नहीं। हमें पता था कि हमने प्रैक्टिस की है तो ऑब्वियसली हम कुछ तो रिजल्ट देंगे और इतना अच्छा रिजल्ट आया, हमें बहुत खुशी हो रही है। इन दी मेन्स माइनस 60 केजी कैटेगरी अंकुश ऑफ चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा बीट कौशिक भास्करन ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु टू क्लिंच गोल्ड। अंकुश स्पीकिंग टू ऑल इंडिया रेडियो। पहले तो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं पहले पॉइंट लूं, तो फिर सामने वाले की ऐसी टाइमिंग बन गई कि वो ले गया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि दो की लीड हो गई है और टाइम है कम, फिर मैंने सोचा कि किक की स्ट्रेटेजी के साथ उसके अंदर जाऊं और उससे किक में एक 3 पॉइंट होते हैं एक किक लग जाए तो फिर मैंने किक मारी, फिर मेरे 3-2 का स्कोर हो गया, फिर वो आगे चले गया, फिर मैंने पंच के साथ उसके साथ कंपटीशन किया, उसे आगे निकलने की स्ट्रेटेजी बनाई। Even as the rains ceased in Bengaluru, the golden showers in karate competition did not relent as contestants fought pitched battles for the 15 gold medals. Everything which has a beginning should have an end. So is the events in karate competition of the Khelo India University Games. This is Venkatram bidding you goodbye and good night. Milan ki parniti vichho kyun hoti hai? Har mulaqat ka anjaam judai kyun hai? Yahan aaye juvaon ko bhi ab ये सवाल बहुत साल रहा है। आए मिले खेलों के इस उत्सव में भरपूर भाग लिया, खुशी के पल साथ जिए, दुख के क्षण साथ बांटे, सपनों को साझा किया, लेकिन अब विदा लेने की बारी। हाँ, यादों की खुशनुमा चादर तो साथ लेकर जा रहे हैं, जब मन करेगा ओढ़ लेंगे, और ये विश्वास भी कि आज बिछड़ तो रहे हैं लेकिन कल मिलने के लिए। इन नाजुक लम्हों को उकेरती ये कहानी शाहिद अनवर से। युवा जोश, जज्बा, संघर्ष और उत्साह का तूफान कल थम जाएगा, जीत की खुशी, हारने का गम, फिर से कुछ कर गुजरने का इरादा और बेशकीमती यादें समेटे सब लौट जाएंगे। वॉलेंटियर वैष्णवी कहती हैं, फीका फीका सा लग रहा है बट अभी ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, बट वी गोना मिस ऑल दिस, बहुत ज्यादा मेमोरीज बनाए यहाँ पे। श्रेया नारायण भी वॉलेंटियर हैं, खिलाड़ियों का डाटा कलेक्ट किया और बहुत सारी यादें भी। बहुत मिस करेंगे इस जगह को, मतलब एक का लगाव लग गया है यहाँ पे, छोड़ के जाने का मन नहीं है, पर हर अच्छी चीज खत्म होती है। इवेंट मैनेजर्स ने जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दिया। मेरा नाम कर्नल विक्रम सिंह जम्वाल है, मैं फेंसिंग का कंपटीशन डायरेक्टर हूँ। यादें तो बेइंतहा हैं और बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, कॉम्पिटिशन बड़ा अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा था, ओवरऑल द टीम वर्क बाय जैन यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया का जो GTCC है वो एक अद्भुत नजारा पेश की। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल खिलाड़ी अनुभव का खजाना साथ लिए जाएंगे, लेकिन इन दिनों को बहुत मिस करेंगे। मेरा नाम साहिल है, मैं LP यूनिवर्सिटी से हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध था, अब जा रहे हैं, कल को या खत्म हो जाएगी, बहुत मिस करेंगे। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज सिंह के लिए ये अवसर अभूतपूर्व रहा। जैन यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं, जो स्टाफ है और छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। 24 घंटे उन्होंने काम किया, सो नहीं पाए लेकिन उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। यही कहना है कि जो इन बच्चों को और जो मेरे सहयोगी उनको सीखने को मिला। चंडीगढ़ के राजीव गोल्डी फेंसिंग के रेफरी हैं और कलाकार भी। ये फिनिशिंग नहीं है, ये स्टार्टिंग है अगले कंपटीशन के लिए। यहाँ की यादें बहुत ज्यादा हम समेट के लेके जा रहे हैं। ईश्वर की दया से सारे मौसम देखे हमने यहाँ पे, गर्मी भी देखी है यहाँ, बरसात भी देख ली है हमने यहाँ पे, ठंड भी देख ली है हमने, कल्चर भी देखा यहाँ का, यहाँ खाना भी देख लिया, यहाँ के लोग भी देख लिए। मतलब वी आर रियली गोइंग टू मिस दिस कंपटीशन, मिस दिस प्लेस, इट वाज अ ग्रेट मेमोरी। अच्छा तो हम चलते हैं। अगले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में फिर से मिलने की चाहत के साथ बंगलुरु से मैं शाहिद अनवर। मेडल तालिका वी शिव कुमार से। 133 यूनिवर्सिटीज हैव वन एटलीस्ट वन मेडल इन द सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। होस्ट जैन यूनिवर्सिटी हैज मैनेज्ड टू स्टे अहेड ऑफ द अदर्स विद 18 गोल्ड मेडल्स, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज क्लोज बिहाइंड विद 17 गोल्ड, 13 सिल्वर एंड 14 ब्रॉन्ज। Punjab University is in third place with 15 gold, 8 silver and 23 bronze medals, and Guru Nanak Dev University is in fourth spot with 13 gold medals. Khelo India, Khelo! और अब हमारे विदा लेने की बारी, लेकिन दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतिम दिन के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल फिर मिलने के वादे के साथ। तो अब अनुमति दें अनुपम पाठक को। नमस्कार।
तकनीकी सहयोग विल्सन फ्रांसिस, आलेख वाचन और प्रस्तुतकर्ता अनुपम पाठक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। खेलो इंडिया, खेलो, खेलो इंडिया, खेलो। अभी आप सुन रहे थे बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया। You were listening to the highlights of the day's events at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Bengaluru.